मिड डे मील खाने से लगभग 40 स्कूली छात्र बीमार, अस्पताल में भर्ती। जिस स्कूल से एक साथ लगभग 40 बच्चे की बीमार पड़ने की खबर आए तो माहौल तो गमगीन होना लाजमी है। ये सुनकर परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, चीख पुकार से पूरा माहौल गूंज उठा। पूरी घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला पुलिस जिला नौगछा के रंगरा प्रखंड के अंतर्गत तीन टंगा झल्लूदास टोला के मध्य विद्यालय की है, जहां मध्याह्न भोजन खाने से लगभग 40 बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद सभी बच्चे का इलाज स्थानीय डॉक्टर द्वारा कराया जा रहा था। लेकिन बीमार बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हो रही थी, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए सभी बीमार बच्चे को नौगछा और भागलपुर भेजा गया। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि सभी बच्चे ने करीब 12 बजे मध्याह्न भोजन ग्रहण किया, उसके बाद सभी बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आग की तरफ और हालात और स्कूल में लोगों का जमावड़ा होने लगा। अभिभावक अपने अपने बच्चों को लेकर इलाज के लिए भागलपुर और नौगछा ले जाने लगे। इधर घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना की पुलिस भी स्कूल परिसर पहुंची और मामले की जानकारी ली। गौरतलब हो कि इस पूरे घटना की आखिरकार जिम्मेदार कौन है, एक साथ इतने बच्चे अचानक क्यों बीमार पड़ गए, हालात इतनी नाजुक हो गई कि निजी क्लिनिक वालों ने हाथ पांव समेट लिया। इलाज के लिए सभी को नौगछा एवं भागलपुर तक ले जाना पड़ गया। अभी तक स्थिति में सुधार नहीं बताई जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक स्कूल से इतनी बड़ी घटना आखिर किस कारणों से हुई है, यह एक जांच का बड़ा विषय है। इस घटनाक्रम ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। जाहिर है कि स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठेगा ही। घटना के मुख्य कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम, डीएसपी और सिविल सर्जन मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं घटना को लेकर एसडीएम ने कहा कि वो अभी विद्यालय जा रहे हैं, जहां जाकर चावल और अन्य सामग्री का वे निरीक्षण करेंगे। सभी बच्चों को सलाइन चढ़ाया जा रहा है, कुछ बच्चे को भागलपुर भी रेफर किया गया है। बीमार बच्ची साक्षी कुमारी ने कहा कि भोजन में पिल्लू था और उसे खाने से पेट में दर्द होने लगा, इसके साथ ही उसके अन्य दोस्त भी बीमार हो गए। कितने रुपए? 8 टका और पहली बात तो यहाँ बैठे हुए हैं, हवा आने दी।